गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 3 ऑफ सिविक्स. द चैप्टर नेम इज गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट. इसका स्टार्टिंग का पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जहाँ पर हमने लास्ट में छोड़ा था. उसके बाद यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का क्या रूल होता है. चलिए आगे हम देखते हैं. डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन. अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज. प्राइमरी फंक्शन जो हमारे गवर्नमेंट का होता है वो क्या होता है? लॉज को बनाना, नियम को बनाना. एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज अबाइड बाय दीज लॉज. Everyone who lives in the country has to abide by these laws. Abide means follow. जो भी everyone who lives in the country, जो भी country में रहता है, हमारे देश में रहता है, उसको law को follow करना पड़ता है. The government also has the power to enforce the laws. Government के पास power होता है कि वो forcefully law को follow कराए. For example, if the government makes the law prohibiting granting and receiving dowry, then the law is enforced and the offence is made punishable. Without enforcement, government decision would hold no importance. और क्या बताया जा रहा है example में, कि अगर government एक law बनाती है prohibit करने के लिए, रोकने के लिए डाउरी को, अगर दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक लॉ बनाती है, तो इस लॉ को फॉलो कराने के लिए एनफोर्समेंट होता है, फोर्स किया जाता है. और अगर जो भी इसको फॉलो नहीं करता है उसको पनिशमेंट मिलती है. विदाउट एनफोर्समेंट गवर्नमेंट डिसीजन वुड होल्ड नो इम्पोर्टेंस. और बिना एनफोर्समेंट के कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता. People also participate in this law enforcement procedure if they feel that a particular law is not being followed properly. They can go to the court and claim that the law is being violated. For example, if any student is denied admission to a school on the basis of their economic background and caste, they can go to the court and raise their voice against the discrimination. The court would then take the necessary action against the school authorities. क्या होता है कि people also participate in law enforcement procedure. और इस procedure में जिसमें कि law को forcefully follow कराया जाता है, उसमें लोग भी participate कर सकते हैं. कैसे? अगर लोगों को ये लगता है कि इस law को लोग follow नहीं कर रहे हैं, तो वो इसके लिए court में claim कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दिया, जैसे कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है, या तो उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो कास्ट की वजह से, अगर लो कास्ट है उसकी, शेड्यूल कास्ट है, तो उसको एडमिशन अगर नहीं मिल रहा है, तो वो कोर्ट में अपनी क्लेम कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. द कोर्ट वुड देन टेक द नेसेसरी एक्शन. और कोर्ट फिर उसके बाद जो भी ज़रूरी एक्शन होता है वो लेता है. Forms of government. The government can be different, can be of different types depending upon the source from which the government derives its powers. The government can be of different type. Government किसी भी तरह की हो सकती है, बहुत तरीके की होती है, different types की होती है. और ये depend करता है उनके source पर कि वो किस तरीके से बनाई गई है, उनका power कैसे आया है. First है आपका democracy. डेमोक्रेसी आप जानते हैं क्या होता है, प्रजातंत्र. इफ द गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द पीपल, देन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नाउ नोन एज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है, जब ये जब गवर्नमेंट हमारा डिराइव्स होता है इट्स पावर फ्रॉम पीपल, जब लोगों के द्वारा किसी भी पर्सन को इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन में, तो वो हमारा होता है डेमोक्रेसी. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी.
इफ द गवर्नमेंट डेराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द पीपल, अगर गवर्नमेंट अपने पावर को लेती है लोगों के थ्रू, तो वो होता है हमारा डेमोक्रेसी। कैसे? इन अ डेमोक्रेसी द पीपल चूज देयर ओन लीडर। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड इन विच पीपल वोट एंड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव। वंस इलेक्टेड दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड देयर फोर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शन। आर कंट्री इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी ही फॉलो होती है, जहां पर हम एक ही पर्सन को इलेक्शन में लीड देते हैं, जिताते हैं, और वही पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल करता है। पहले के समय में डेमोक्रेसी नहीं होता था, पहले के समय में क्या होता था, मोनार्की या डिक्टेटरशिप होती थी। तो अभी के समय में जैसे डेमोक्रेसी होता है तो हम वोट करते हैं, एक ही पर्सन, एक ही लीडर को चुनते हैं जो कि सारी कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन देखता है, ऑर्गेनाइज करता है। हम जिसको भी चूज करते हैं वो क्या करता है, डिसीजंस लेता है, पीपल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, और उनको आंसरेबल भी होना पड़ता है लोगों के लिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उनको आंसर भी देना पड़ता है लोगों को। आर कंट्री इंडिया, हमारी इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का फॉलो होता है। नेक्स्ट है आपका मोनार्की। इन अ मोनार्की अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, अ किंग और क्वीन। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज कॉमनली फाउंड इन एंशियंट टाइम। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज एक्सेप्टेबल इन पास, हाउएवर इट इज स्टिल एग्जिस्ट इन सम कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया एंड ओमन। Under this form of government, the monarch has the complete power to run the government and take all the important decisions. She, he may consult small group of people to arrive at a decision, but the ultimate decision making power rests with the monarch. He, she not answerable to the people for her, his एक्शन और डिसीजन। क्या होता है मोनार्की में, ये पास्ट में फॉलो किया जाता था, पास्ट टाइम में होता था, एंशिएंट टाइम में होता था, जिसमें किंग या क्वीन पूरे कंट्री को रूल करते थे, उस पर शासन करते थे, और इस तरीके के लोगों इस तरीके के शासन में, इस तरीके के गवर्नमेंट में क्या होता था कि लोगों को किसी को जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि पावर टू रन द गवर्नमेंट एंड टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वो सारे डिसीजन खुद लेते थे और लोगों को उनको आंसरेबल नहीं होते थे। मींस लोगों को उनको आंसर नहीं देना पड़ता था, वो सारे डिसीजन खुद लेते थे। ये सारे जो मोनार्की गवर्नमेंट है ये पास्ट में फॉलो होता था, लेकिन अभी भी ये सऊदी अरेबिया ओमन नाम की जगह पर ये फॉलो होता है। और ये इसमें क्या करते थे लोग, जो किंग और क्वीन होते थे, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंडर में रहते थे, उनसे कंसल्ट करके सारे डिसीजन लेते थे। इन लोगों को, इनको कोई भी आंसर नहीं देना पड़ता था। ये सारा पावर जो होता था वो उन्हीं के हाथ में होता था। लास्ट है आपका डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता, द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। लास्ट थर्ड है आपका डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन अ डिक्टेटरशिप अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसमें क्या होता था, इन अ डिक्टेटरशिप अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, एक सिंगल पर्सन या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन एक्सरसाइज करते थे, प्रैक्टिस करते थे कंट्रोल करने की पूरे कंट्री को। और इसमें ना तो कोई देर आर नो इलेक्शन, इसमें ना तो कोई इलेक्शन होते थे, ना कोई प्ले करता ना, एंड पीपल प्ले नो रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और इसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता था, लोग बिल्कुल भी इलेक्शंस नहीं कर सकते थे। एंड एंजॉय लिटिल और नो मोर राइट्स। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज अ डिक्टेटर। एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का था, उसको एक डिक्टेटर बनाया गया था। और इसमें लोगों का, पीपल का कोई रोल नहीं होता था, इसमें कोई इलेक्शंस नहीं होते थे, एक ही पर्सन होता था जो कि पूरी कंट्री को रूल करता था। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।
गुड डे मैम। गुड डे।